आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। 1923 में 1923 के अंदर गोरखपुर यूपी में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई। किराए का भवन लिया गया था, परम श्रद्धेय श्री सेठ जी जयदयाल गोयंदका जी द्वारा, वो उनके संस्थापक थे, तन मन से उसमें जुट गए कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, परंपराओं को कैसे, क्या कहते हैं, जन जन तक घर में पहुंचाया जाए, धर्म ग्रंथों को पहुंचाया जाए हर तरह से। और उसमें थोड़े समय बाद ही, निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे, निष्काम भाव से, तो थोड़े समय बाद ही उन्हें एक महापुरुष और जुड़ गए सेठ जी की तरह, जिनका शुभ नाम था परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को छोटे रूप में भाई जी बोलते थे और सेठ जी को सेठ जी बोलते थे। दोनों त्याग की प्रतिमूर्ति, देव मूर्ति, जिनका केवल एक ही लक्ष्य था तन मन धन से कि सनातन संस्कृति, परंपराओं को, धर्म को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। बच्चों के लिए बच्चों की किताबें, स्त्रियों के लिए स्त्री किताबें, जवानों के लिए जवानों के लिए कुछ बातों की किताबें, बड़ों के लिए बड़ों की, उसका धर्म ग्रंथ तरह तरह के, ताकि साहित्य का अधिक से अधिक साहित्य जन जन तक पहुँचे, धर्म का प्रचार हो, ज्ञान की वृद्धि हो, संस्कृति के बारे में लोगों को समझ में आए, सुविचारों की, क्या कहते हैं, मतलब भरमार रहे। और फिर उसके थोड़े समय बाद एक चीज़ और, भाई जी के आने के बाद, क्या कहते हैं, क्योंकि एक से दो हो गए, मैं जिसको कहते हैं ना कार्यरत से बिल्कुल निछावर रूप में, कल्याण पत्रिका जो है वो, क्या कहते हैं, भाई जी के आने के बाद ही शुरू हुई, जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई और जन जन तक पहुँची। आज गीता, और उसमें फिर बाद में परम श्रद्धेय राधा बाबा जी, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी भी जुड़ गए। स्वामी राम सुखदास जी जगह जगह जाके श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार और भी धर्म ग्रंथों के बारे में, मतलब बाकायदा, क्या कहते हैं, कथा करना बहुत सारी सप्ताह के में हर तरह से। कुल मिला के सभी के अपने अपने कार्यों के द्वारा आज गीता प्रेस इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। 100 वर्ष पूरे होने पे अभी, क्या कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही, क्या कहते हैं, गांधी शांति पुरस्कार दिया गीता प्रेस को, और हर पुरस्कार के साथ कुछ राशि भी होती है। तो इस गांधी शांति पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार था, लेकिन गीता प्रेस ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि गीता प्रेस का एक ही सिद्धांत है, ना चंदा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना लेना, ना दान, ना दक्षिणा, किसी प्रकार को राशि, राशि रूप में कुछ भी किसी से नहीं लेना, बस एक उनका संकल्प है। इसी कारण से क्या होता है, उनको कई बार बहुत सारी अड़चनें आती हैं, दिखती आती, क्योंकि राशि के बिना काम तो नहीं चलता ना, जबकि भारत की सबसे बड़ी प्रेस में से एक है। लेकिन काम तो अर्थ का, काम तो अर्थ से चलेगा, मतलब पैसे का काम तो पैसे चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतनी सारी बात बताकर, इनकी प्रिंटिंग, कागज़, सब कुछ, जिल्द, मंडाई, सब इतनी गजब की है, एक नंबर से कहते ना, एकदम परफेक्ट, बहुत ही अच्छी। इनकी प्रमाणिकता इतनी ज़बरदस्त है कि उस, इनकी प्रमाणिकता को अगर कोई कोर्ट करता, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे हुए भी हैं कि गीता प्रेस का कोर्ट करावे को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार करा, ठीक ना, कि प्रमाणिकता कि नहीं, गीता प्रेस में अगर ये चीज़ लिखी है गीता प्रेस संदर्भ में, तो उसको माना जाता है। मैं यहाँ पर कुछ कहने जा रहा हूँ, छोटी सी बात, कि आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना यही है कि कृपया करके, जब आप किस पुस्तकें, धर्म ग्रंथ हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं, अच्छी बातें हैं, ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो प्लस में क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथ, जब भी किसी को उपहार में देना हो, गीता प्रेस गोरखपुर की दीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें जब भी, या धर्म ग्रंथ आप लेते हैं, तो मन में एक ही भाव रखिए, बस, कि मेरे को तो भगवान इस लायक समझाए कि मेरे से निछावर रूप में, राशि राशि रूप में निछावर करवा रहा है, बदले मुझे, क्या कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के अपने सनातन धर्म की धर्म ग्रंथ मुझे मिल रहे हैं, उनकी अच्छी अच्छी पुस्तकें मुझे मिल रही हैं। बस आपका यही होना चाहिए, आपका इस भाव से सहयोग और श्रद्धा भाव, जो सबसे प्रमुख है श्रद्धा भाव, ये श्रद्धा भाव ही, क्या कहते हैं, गीता प्रेस को आज जीवित रखे हुए। आज 100 साल पूरे हो गए, 1923 में खुली, 1923 में 100 साल हो गए, आने वाले सैकड़ों सालों तक लोग याद रखेंगे। और इन महान पुरुषों को भी, देवात्माओं को भी, दिव्य, सभी दिव्यात्मा परमहंस हैं,
ये चारों के चारों, इन चारों को भी याद रखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी पूरा जीवन इसमें लगा दिया, आहुति इस एक जीवन की दी है। तो इसीलिए ये हमारे समाज में नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्त्रोत्र है, क्योंकि इनका तो एक ही लक्ष्य था कि कण कण में भगवान है, हे नाथ मैं आपका हूँ, नारायण 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 नारायण, आप मेरे मैं आपका हूँ।